भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है जो भारत की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट से ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। जय हिंद।